नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टोन्ड मिल्क के बारे में। दोस्तों हो सकता है आप स्टोन्ड मिल्क के बारे में पहले से जानते हो, क्योंकि यह हमें अक्सर शॉप्स में मिल जाता है, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत ही कम लोग हैं जो इस मिल्क का यूज़ करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस मिल्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इस मिल्क को आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि स्टोन्ड मिल्क में और हमारे नॉर्मल मिल्क में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा नॉर्मल मिल्क होता है उसे तो डायरेक्टली ऑब्टेन किया जाता है काओ से या फिर बफलो से, लेकिन जो हमारा टोंड मिल्क होता है उसे पाउडर फॉर्म में जो मिल्क आता है उसमें पानी मिलाकर उसे तैयार किया जाता है स्टोंड मिल्क को, ताकि इसके इसमें जो फैट की क्वांटिटी है वो कम हो सके। देखिए, जब पाउडर में पानी मिला देते हैं तो फैट की क्वांटिटी अपने आप कम हो जाती है और कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो आप कोई सा भी टोंड मिल्क यूज़ करो उसमें आपको फैट बहुत ही कम क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। यहाँ जो मैंने मिल्क लिया वो है अमूल मोती का और इसमें आपको 3% फैट देखने को मिलता है, यानी कि इसके 100 ग्राम में आपको मिलेगा 3 ग्राम फैट्स। और इसकी बात करूं तो इसका जो कैल्शियम होता है वो आएगा 150 ग्राम्स की, यानी कि कैल्शियम की जो अमाउंट है वो भी इसमें काफी हाई होती है। और जो इस मिल्क का दूसरा बेनिफिट होता है वो होता है कि इस मिल्क को आप काफी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। आप इस मिल्क को 90 डेज यानी कि 3 मंथ तक आप इसको स्टोर कर सकते हो, यानी कि 3 महीने तक आपका ये दूध है वो खराब नहीं होएगा। लेकिन उसको एक कंडीशन है कि इसको पैकेट के अंदर ही आपको रखना पड़ेगा, चाहे आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो चाहे कहीं बाहर रख रहे हो, लेकिन ये पैकेट के अंदर है तो ये खराब नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर आप इस पैकेट को खोल देते हो तो आपके पास 2 दिन होते हैं इसे कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि 2 दिन के बाद ये जो मिल्क है वो खराब होने लग जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस टोंड मिल्क के न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की, तो इसके न्यूट्रिएंट्स और हमारे नॉर्मल मिल्क के न्यूट्रिएंट्स लगभग सेम ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि टोंड मिल्क में आपको थोड़ी कम क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है और इसमें फैट्स भी काफ़ी कम होता है। और दूसरा जो इसका बेनिफिट है ये कि इसमें आपको कैल्शियम काफ़ी हाई क्वांटिटी में मिल जाता है। और प्रोटीन की बात करूँ तो इसमें भी लगभग सेम क्वांटिटी में प्रोटीन ही मिलता है, क्योंकि नॉर्मल मिल्क के कंपैरिजन प्रोटीन की क्वांटिटी में सेम ही होती है। और इसमें एडिशनल आपको विटामिन ए और डी मिल जाते हैं। आपको पता होगा कि जो विटामिन ए होता है वो आपके लंग्स के लिए, आपकी किडनी के लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, और जो विटामिन डी होता है वो आपकी बोन्स के लिए अच्छा होता है। तो ये आपको इसमें एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इस मिल्क का कंजप्शन कर सकते हैं। तो देखिए, सभी लोग इसका कंजप्शन कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक बात है कि इसका जो टेस्ट है वो हमारे नॉर्मल मिल्क के कंपैरिजन इतना अच्छा नहीं होता। सो अगर आप ज़्यादा टेस्ट को, यानी कि अगर आप टेस्ट में एडजस्ट कर सकते हो तो फिर आप इस मिल्क को कंज्यूम कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जिम जाते हैं, मीन्स जिनको फैट की क्वांटिटी थोड़ी कम चाहिए होती है, तो उन लोगों के लिए मेनली मिल्क जो होता है, मीन्स उन लोगों के लिए ये जो है बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें फैट की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। और अगर मैं बात करूँ इस टोंड मिल्क के प्राइस की, तो इसका जो प्राइस होता है वो नॉर्मल मिल्क से लगभग 1-2 रुपये ही महंगा होता है। तो जो अमूल का पैकेट है 500 ml का, इसका जो प्राइस होता है वो होता है 26 rupees। सो नॉर्मल मिल्क के जितना ही इसका प्राइस होता है। और ये जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी आप किसी शॉप पे जाके इस मिल्क को खरीद सकते हो, लेकिन ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। नीचे अमेजोन में आपको जो बेस्ट मिल्क है वो सजेस्ट किया हुआ मिलेगा, सो वहाँ से आप खरीदना चाहो तो इसको खरीद सकते हो, क्योंकि ये जो मिल्क है वो जल्दी एक्सपायर नहीं होता। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 90 डेज, यानी कि 3 महीने तक ये जो प्रोडक्ट है वो चल सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि क्या इस मिल्क को आप डेली यूज़ कर सकते हो, तो जी हाँ, आप इस मिल्क को डेली यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो मिल्क है वो मेनली उन लोगों के लिए होता है जो कि उस एरिया में रह रहे हो जहाँ की डेली मिल्क ना आता हो, मीन्स एक बार आपने इसको परचेज कर लिया तो ये 90 डेज तक आपका मिल्क जो है वो चल सकता है। और दूसरा उन लोगों के लिए होता है जो कि फैट्स में कम चाहिए होता है, मीन्स जो लोग जिम जाते हैं फैट्स की क्वांटिटी कम होती है, तो उन लोगों के लिए होता है। और अगर आपको टेस्ट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, मीन्स अगर आप टेस्ट में एडजस्ट कर सकते हो, तो फिर भी ये मिल्क आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको नॉर्मल मिल्क डेली मार्केट से मिल रहा है तो वो मिल्क आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। सो दोस्तों ये था टोंड मिल्क का शॉर्ट रिव्यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। और जो भी अपने व्यूज़ हैं, इस वीडियो को अच्छी लगी बुरी लगी और आप टोंड मिल्क का यूज़ करते हो या नहीं, वो सारे व्यूज़ आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर अक्सर इस तरह के रिव्यूज़ आते रहते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।